हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अल्फा मास्टर। और आज की वीडियो में हम फाइट करेंगे अपने झगड़ी दोस्तों से, जो कि भाई गेम में आ गए हैं। रैंडम खेल रहा था मैं, बल्कि डुओ खेल रहा था एक्चुअली, तो डुओ में आ गए हैं गेम के मुकाबले में। एनेक्जिटी है, एनेक्जिटी 07 है, वो भी अपने जान पहचान के हैं, और साथ सेप्टाइल और खेज हैं, तो इनको हम छोड़ना तो हमने है नहीं, क्योंकि इनके साथ माशाल्लाह दोस्त से हारने की तकलीफ ज़्यादा होती है यार। तो आप इनको ज़रा हराएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मेरे पास एक प्रो किस्म की ठंडी लीफियन और एक ठंडा नाइन टेल्स भी है, लेकिन हमारे लीफियन ख़तरे में है यहाँ पे। अब ये है मार गई, ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे अगर आप देख रहे हो कि मैं ब्राउन में क्यों शो हो रहा हूँ भाई ऑरेंज में, तो मुझे नहीं पता, मैंने मेंबरशिप से बस ख़रीदी हुई थी, तो उसकी वजह से ये रिकॉर्ड हो गया ऑटोमेटिकली। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आई एम शोइंग इन द ऑरेंज कलर। So I am from the opposing team. Okay, so you have to support the opposing team in this game. So I will speak English. I will speak Hindi because I do not know in which channel I have to run it. So I will speak both language. Okay. Okay. Push करने की पूरी तैयारी है। जिसे भाई सेप्टाइल आए, सेप्टाइल का इनका 9 days जो गाड़ी वगैरह वो तंग करेगा, गाड़ी वगैरह भी हराना पड़ेगा, लेकिन I think we should get a little back. तो खैर स्टार्टिंग के गोल्स हमने कर लिए थोड़े। यहाँ पे मुझे मिला था खिस भैया को हम ज़रा प्यार करेंगे, क्योंकि इनके गोल्डन बैच सरीना को इंतहाई नर्फ मिल चुका है, और अब इनसे जो खेला नहीं ना जा रहा वो कसम से देख देख के दुख होता है इनको पता नहीं ख्वाबों में वो सरीना आती होगी जब वो बड़ी टॉप की थी। पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सरीना स्टॉम्प करके रखा हुआ था हर टीम में। इस बार उन्होंने सरीना को कर दिया हैवी नर्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले तो, लेकिन स्टिल भाई हमारे खिस भाई कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो चलाऊँगा सरीना बाहर में जाए नर्फ। खैर अपग्रेडेड टू इंटेलिजेंट भी नीचे है, और तो हम भी स्टूडियो को बचाने के लिए अब नीचे आ चुके हैं। 720 अभी आ चुके हैं, ये आर्टिकोस वगैरह अल्टारिया और स्वैप लूस, ठीक है, और सिफाइट के लिए तैयार हैं हम। गाड़ी पर उनका वापस आ रहा है भाई, ठीक है, 9 days अपना ऊपर है, थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए ऊपर छोड़ रहा है उसको, आई डोंट थिंक वो टिक पाएगा स्टिल सरीना के अगेंस्ट, देखते हैं क्या करता है ऊपर, लेकिन नीचे तो फाइट हमने छेड़ लिया। ओ माई गॉड, यूनाइट मूव से बच गया। अच्छा यार मिस कर दे यूनाइट मूव, ठीक है, आजकल बहुत मिस कर रहा है ये, क्या सेप्टाइल यू आर मिसिंग अ लॉट ब्रो, या तो मैं प्रो हो गया हूँ। माई गॉड आई गॉट दैट, सेप्टाइल इज मिसिंग अ लॉट, ही यूजुअली डजंट मिस दैट मच, बट ही इज मिसिंग नाउ। ओके सो अगेन यू सी सेप्टाइल नशे में आ गया भाई, इतने इंतहा के अल्ट आया कि दो अल्ट तो रेडी कर दिए इसने अभी आधी गेम से पहले, और ये स्लो ब्रो की मौत निश्चित हो गई यहाँ पे। नाइस, मेगा एक्स में ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है, हमें क्लियर किया, हम जाएंगे स्कोर के लिए। दो बंदे उनके डाउन है, ठीक है, इधर हैं खिस भाई भी आ गए हैं, और खिस भाई भी छा गए हैं, स्लो ब्रो को किल किया 7 अल्ट के, 9 टेल को हमें भी मार दिया, और भाई फना करके रख दिया है खिस भाई ने, इसका अल्ट ही बेहतर रह गया है सरीना का, लेकिन किसी तरह बाकी इसकी अभी गेम प्ले ज़रा नर्फ है, जो इसका नर्फ मिला हुआ है क्वीन मैजेस्टी को, इसकी एबिलिटी को, और बहुत ही खाता किस्म के नर्फ मिले हुए हैं, देखेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद शायद इसको नर्फ बफ मिलेगा शायद कोई, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं। लेकिन खैर अभी हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अपनी तशरीफ नहीं पेश करना चाहते अभी। और यहाँ मैंने जुनाइट रूम यूज़ किया अपनी टीम को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, ताकि अब पीछे उनका ज़रा हौसले कम हो, लेकिन भाई इधर कोई नहीं, प्लेसिना अल्ट कर दिया गाड़ी बोर्ड के ऊपर, लेकिन आई कैन नॉट गो इन बिकॉज आई गो अलोन आई विल डाई, तो मैं ज़रा पीछे जा रहा है कि थोड़ा खेल रहा हूँ इनका गाड़ी और हसीन तरीन किस्म के अल्ट ज़ाया कर रहा है, कितना खूबसूरत तरीके से ज़ाया कर रहा है यार, इतने महंगे अल्ट, वो भी वो कसम से चाहता है उसके महंगे अल्ट में कोई आए ना, तो मेरी आंखों के सामने उसका तीसरा अल्ट वेस्ट हो गया, जिसमें कोई खाते का एफर्ट नहीं लगा, कोई काम नहीं आ सका उसका अल्ट, ट्राई कर रहा है लेकिन आई डोंट नो आज उसका दिन लकी नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम छोड़ेंगे तो नहीं कि मौका कोई भी। अभी हम नीचे आ चुके हैं क्योंकि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस डाइट फ्रॉम द स्टार्ट जा रही है हमारी टीम की तरफ से, तो भाई पूरा जहमत नहीं की नीचे हुए ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने की, फार्म कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने आके गोल जो ब्रेक कर दिया भाई खिस भाई ने, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें उसे हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल स्ट्रेच में मुश्किल हो जाता है, टीम स्प्लिट हो जाती है इस तरह, ठीक है मैं बफ लूँगा यहाँ से। और ये स्लो ब्रो भैया अपने स्लो ब्रो के साथ लड़ रहे हैं,
लोगों ने कसम से बहुत कुट खाई है मुझसे। अब ये डार्क भाई भी कसम से, ये डार्क भाई भी अपने फाइज भाई हैं, ये भी हमारी टीम में आ गए हैं। इनके साथ भी हम नहीं खेल रहे थे वैसे, बस मैं सोलो या डुओ खेल रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ, N3, N2, N1 के साथ आई थिंक। अब तो मुझे, बल्कि नहीं, N3, N2, N1 नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं मैं किसी वक्त खेल रहा था, क्योंकि मैं कसम बताऊँ मैंने आपको ये लाइव कॉमेंट्री तो मैं कर नहीं रहा आप लोगों और को, मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ गेम प्ले और बस मैं उस पर ही कमेंट्री कर रहा हूँ। खैर मैं सोलो मोस्टली प्रॉबली खेल रहा था, मैं किसी फ्रेंड के साथ नहीं खेल रहा था, तो ये रैंडमली सब आ गया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको। अभी जाने का रेक वाजर के पास, क्योंकि हमने किल्स तो हैवी कर लिए हैं, स्लो ब्रो को कैच करना पड़ेगा यहाँ पे। ये नहीं, ये गया इस पियोन, दैट्स नाइस। सो आई थिंक दिस इज जीजीज नाउ, वी कैन बीट देम ऑल रूम। और ये गया 9-10 का सिक्योर, दिस गेम इज फॉर अस। जाएंगे भाई अब गोल के लिए, और एक और अल्ट्राया सेप्टाइल भाई, ज़ाया नहीं कहूँगा यार उसने एक लीजन पकड़ लिया, लेकिन स्टिल इस बार एक भी थोड़ा बीमारी में नहीं आया उसके। ओवरऑल स्पीड इंक्रीज काफ़ी अच्छी है म्यूटू की, जिसको ये नर्फ देंगे, बल्कि नर्फ मिल चुका है टेलीपोर्ट पे। अब तो आई थिंक मुझे बैक जाना पड़ेगा, ठीक है मैं रिकॉल करूँगा बैक, क्योंकि ये पुश करेंगे, मुझे पता है आइडिया नीचे पुश कर रहे हैं, फाइनल पुश होगा, लेकिन ये नाइट मोड मैंने यूज़ किया यहाँ पे और पूरी तरह पर घातक डिफेंड करेंगे यहाँ पे। खैर इस तरह हमने उनको भगा दिया पीछे और लगातार टैंडन आया, हमने विक्ट्री हासिल की यहाँ पे, हरा दिया अपने डार्क भाई को। डार्क भाई के साथ हमारे साथ थे वेंडन थे जी भाई, मैं यहाँ पे सोलो खेला था, मुझे याद आ चुका है। जैप्टोस भी जानने वाला अपना जान बेली, और एंग्जाइटी नोवज मामा भी अपनी जान पहचान के मलक साहिब थे,